हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी। एसएसटी में आपका ज्योग्राफी लेसन 5 वाटर। तो आज हम लोग आपके इस लेसन के शॉर्ट मतलब ओरल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके बाद हम आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, मतलब कि जो हमारा जीवन है उसमें जल की मतलब जल हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू बी लाइफ एंड एविडेंस लाइफ ऑन द अर्थ ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर। इवन टुडे द नंबर ऑफ लिविंग बीइंग इन वाटर बॉट इन मोर देन दैट ऑफ अदर एरियाज। वाटर इज कंसिडर्ड टू बी विटल फॉर लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो फर्स्ट हमारा आंसर है मान्यता और प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जल के द्वारा ही है, क्योंकि यदि हमारे जीवन में अगर जल नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। और ये हमारे ही लिए ही नहीं, ये जल पानी जो भी है जिसे हम पीते हैं वो पौधों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। यदि पृथ्वी पर अगर पानी ना हो तो वो उनके लिए भी जीवन यानी कि जीवन व्यतीत करना असंभव है। फिर सेकेंड आपका आंसर है वॉट इज टाइड्स। टाइड्स क्या है? तो सेकेंड आपका आंसर है टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशन इन डायरेक्शंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। इसका मतलब है सेकेंड है आपका जल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बातचीत के कारण होता है। जो उसका जो गुरुत्वाकर्षण जो उसका चंद्रमा के बीच क्या होता है, उसका जो होता है वो बातचीत के कारण होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज टू सुनामी। थर्ड आंसर है आपका व्हाट इज टू सुनामी, यानी कि टू सुनामी क्या है। टू सुनामी इज अ वेरी लॉन्ग वेव्स केस बाय अ सबमरीन ऑन कैस्ट्रोल अर्थक्वेक लैंडस्लाइड और वोल्केनो इरप्शंस। मतलब सुनामी एक बहुत लंबी लहर है। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था सुनामी क्या होती है, बहुत लंबी लहर होती है, एक बहुत लंबी लहर होती है जो एक उपत समुद्री यानी कि समुद्र के समुद्र में ज्यादा आपको दिखाई देगा कि समुद्र के तट पर इस चीजें ज्यादा आती हैं। और बहुत जब देखा होगा आपने कि जब पानी बहुत तेज बहाव में आता है तो वो बहुत लंबी लंबी वेव्स आती हैं और उस पानी में उथल पथल मच जाता है। तटीय भूकंप भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी होता है। जब कभी क्या कहते हैं ज्वालामुखी होता है या भूकंप होता है तो भी सुनामी आती है। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन नेम द फैक्टर्स विच गेव राइज टू ओशन करंट। थर्ड आंसर है आपका सॉरी फोर्थ आंसर है वेजिटेशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। मतलब जो तापमान और लवणता में अंतर के कारण समुद्र के पानी में घनत्व में भिन्नता दिखाई देती है। तो सभी बच्चों को ये ओरल क्वेश्चन अपनी एसएसटी की ज्योग्राफी की मतलब जो आपने ज्योग्राफी में अलग कॉपी बना रखी है आपको ये लेसन उसमें करना है। थैंक यू।